नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजन ज्ञान चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये है स्टॉप सोलेनाइड। स्टॉप सोलेनाइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बेसिकली उस इंजन में देखने को मिलेगा जिसमें FIP लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप किस में होता है? जैसे कि आपके आइसर इंजन में होता है, किलोस्कर इंजन में होता है, कमिंस इंजन में होता है, जो भी कैनोपी वाली इंजन होती है उसमें FIP लग के आता है। तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं किलोस्कर का है, 30 KVA का ये इंजन है। इसका जो किलोस्कर का जो इंजन मॉडल है वो है 3R1040 BHP 42 है RPM 1500 है, और इसमें जो अल्टरनेटर लगा है वो है 30 KVA का, 3 फेज, 415 वोल्टेज, किलोवाट 24 है, एम्पियर 41.7 है। तो बात करते हैं इस सोलेनाइड की। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि FIP पंप के पीछे ये स्टॉप सोलेनाइड लगा हुआ है, और हर इंजन में आपको इसी जगह पे सोलेनाइड देखने को मिलेगा। तो सोलेनाइड का काम होता है इंजन को स्टार्ट करना या इंजन को बंद करना। तो किलोस्कर में सोलेनाइड इंजन को बंद करता है, और कमिंस इंजन में सोलेनाइड इंजन को स्टार्ट करता है। मतलब कि कमिंस इंजन आप स्टार्ट करेंगे तो सोलेनाइड नीचे गिरा हुआ रहता है, जैसे ही आप उसे स्टार्ट करेंगे सोलेनाइड ऊपर चला जाएगा। मतलब कि फ्यूल बंद है, और जैसे आप स्टार्ट बटन दबाते हैं फ्यूल ओपन हो जाता है। और किलोस्कर इंजन में जस्ट उल्टा होता है, फ्यूल पहले से ओपन रहता है, लेकिन जब आप स्टॉप बटन दबाते हैं तो वो सोलेनाइड नीचे जाता है और फ्यूल को बंद करता है, सप्लाई फ्यूल की सप्लाई को बंद करता है, और आपका इंजन बंद हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे कस्टमर का कंप्लेन ये होता है कि हमारा इंजन स्टॉप नहीं हो रहा है, ना इमरजेंसी से स्टॉप हो रहा है, ना कंट्रोलर से स्टॉप हो रहा है। इस कैनोपी में जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो लगा हुआ है KG93। इस इंजन में जो कंट्रोलर लगा हुआ है किलोस्कर के इंजन में, वो लगा हुआ है KG934V1। और ये जो स्टॉप सोलेनाइड है ये 12 वोल्ट का स्टॉप सोलेनाइड है। तो अगर आपका इंजन बंद नहीं होता है इमरजेंसी से या स्टॉप बटन से, तो ये जो सोलेनाइड आप देख रहे हैं इसको आप नीचे दबाकर आपको बंद करना है। इसी में फीड पंप भी लगा हुआ है। ध्यान से देखिए आप, जिस इंजन में जहाँ भी इंजन में जहाँ पे आपका फ्यूल पंप लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो आइसर का इंजन हो सकता है, कमिंस का इंजन हो सकता है, या किलोस्कर का इंजन भी हो सकता है। तो अगर आपका इंजन स्टॉप नहीं हो रहा है स्टॉप बटन से या इमरजेंसी बटन से, तो ये स्टॉप सोलेनाइड है जो फ्यूल पंप के पास में लगा रहता है, फ्यूल पंप के पीछे लगा रहता है। तो इसके लीवर को आप नीचे दबाइए, तब तक दबा के रखिए जब तक आपका इंजन स्टॉप नहीं हो जाता है, और इंजन स्टॉप होने के बाद फिर इसे छोड़ दीजिए और कंट्रोलर को ऑफ करके फिर ऑन कीजिए, आपका इंजन स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप होने लगेगा। अगर फिर भी आपका इंजन स्टॉप नहीं हो रहा है दोबारा बंद करने के बाद, तो अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर से कंसर्न करें, और हो सकता है आपका सोलेनाइड ख़राब हो गया तो उसे चेंज करवाएं। अगर आपका सोलेनाइड अच्छा है और किसी वजह से आपका इंजन बंद नहीं हो रहा है स्टॉप दबाने से, कंट्रोलर के स्टॉप बटन से बंद नहीं हो रहा है, या इमरजेंसी दबाने से नहीं बंद हो रहा है, तो आपको FIP के पास में, FIP के जस्ट पीछे में ये सोलेनाइड कॉइल लगा हुआ है, गोल होता है, लंबा सा होता है, उसके नीचे एक लीवर होती है, उस लीवर को नीचे दबाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, और लीवर को दबाने के बाद ये इंजन आपको बंद हो जाएगा। अगर इंजन काफ़ी देर से चल रहा है, गर्म है, तो एक कपड़ा ले लें, उसके बाद इसको लीवर को नीचे दबाएं जैसा कि मैं वीडियो में दबा रहा हूँ, ऐसे दबा कर रखें जब तक इंजन बंद नहीं हो जाता है। और किलोस्कर इंजन में देख रहे हैं FIP पंप के नीचे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर के जस्ट ऊपर में आपका FIP पंप है, पंप के पीछे में आपका सोलेनाइड कॉइल है, उसी कॉइल के नीचे का जो लीवर आप देख रहे हैं वीडियो में, उसी लीवर को नीचे दबाना है और आपका इंजन बंद हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली स्टॉप सोलेनाइड का काम यही होता है कि इंजन को स्टॉप करना और बंद करना। तो बहुत सारे इंजन में ये इंजन को स्टार्ट करता है, और बहुत सारे इंजन में ये इंजन को बंद करता है। तो यही काम होता है इसका। अगर आपका भी इंजन बंद नहीं हो रहा है कंट्रोलर के स्टॉप दबाने से या इमरजेंसी स्विच से, आप परेशान न होइए, आपका सोलेनाइड कॉइल जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस सोलेनाइड कॉइल के लीवर को नीचे आपको दबा के रखना है जैसा कि मैं दबा रहा हूँ वीडियो में, और आपका इंजन स्टॉप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।
स्टॉप सोलेनाइड को आप दबा के रखेंगे नीचे लीवर को, इंजन बंद हो गया, कंट्रोलर को ऑफ कर दीजिए और फिर कंट्रोलर को ऑन कीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबाइए, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद फिर स्टॉप बटन दबाइए और फिर आपका इंजन बंद हो जाएगा। अगर फिर भी बंद नहीं होता है तो आपका स्टॉप सोलेनोइड ख़राब है। अगर आपका इंजन स्टार्ट और बंद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से इंजन स्टॉप नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है, आप लीवर दबाकर इंजन स्टॉप कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों।